वहीं अग्निपथ योजना पर खुलकर बोले हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अग्निपथ योजना को समझने की जरूरत है, यह कहा है गडकरी ने। किसी के रोजगार छीनने की बात नहीं की जा रही है, यह कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का टीवी 9 के ग्लोबल समिट में। वहीं अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है ये देखिए। नई योजना देश सेवा का युवाओं को सुनहरा अवसर देगी, 2 साल से भर्ती ना होने की वजह से हमने आयु सीमा बढ़ाई है, ये कहा है राजनाथ सिंह ने। यानी इस बार रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन ये वन टाइम रिलैक्सेशन ही है जो एज लिमिट में दिया गया है। इसके अलावा अग्निपथ योजना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं ये देखिए। अग्निपथ पर छात्र अफवाहों से बचें, अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है, अफवाहों से बचें छात्र और कानून को अपने हाथ में ना लें। गिरिराज सिंह को सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है, इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। मैं ये मानता हूं कि मैंने जब कैबिनेट में पूरी योजना सुनी, इसमें किसी के रोजगार छीनने की बात नहीं है। ये योजना बहुत ही अच्छी है, इसको ठीक प्रकार से लोग समझें और गलत फहमी में ना जाएं। इससे इस देश के युवाओं का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा और जॉब जो है कम नहीं होंगे और बढ़ेंगे। इसे लोग अग्निवीर को समझें, ये बेटर रोजगार देने की पद्धति व्यवस्था की गई है। कोई बता दे 10th पास को 10 लाख से लेके 22 लाख तक का 4 साल और फिर वही रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें, और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने की गैर विद्यार्थी कौन। तो एक साथ 3 केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं इस योजना को लेकर, ये हमने आपको दिखाया। अब